स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एवं सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा संवाद 2023 शैक्षिक असमानता को दूर करे और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसरों के बढ़ावा देने पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी पहल की गई है। इसी कार्रवा को आगे बढ़ाते हुए SIO के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रोशन माहिद्दीन भिलाई पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपने और अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में फैली असमानताओं के समाप्त करने के प्रयास के बारे में बताया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के घटते स्तर पर चिंता जताते हुए इस विषय पर भी अनुकरणीय कार्य करने की जानकारी दी। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1982 में स्थापित हुआ था। 1982 से आज तक 40 ईयर्स का इसका पीरियड रहा। तो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए उस इरेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड कास्ट कल्चर, तो स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए खासकर एजुकेशनली तो कैंपसेस में और आवाम में काम करता है। एक NGO बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्राइव करता आ रहा है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और CERT सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोलैबोरेशन में शिक्षा संवाद सीरीज शुरू किए थे। तो ये सीरीज चंद डिमांड्स को लेते हुए गवर्नमेंट तक रीच करना चाहिए। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का रिपोर्ट था 2020-21 के जो इसी साल में आया था अप्रैल में, तो इसके तहत 20% तकरीबन 8% ड्रॉप आउट मुस्लिम्स में देखा गया था, ताकि 2 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से दूर हुए थे। तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एक माइनॉरिटीज़ का फेलोशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब लोगों को देता था माइनॉरिटीज़ के। तो 2022 में तो गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को हटा दिया था कि रीज़न बताते हुए ये स्कॉलरशिप बाकी स्कॉलरशिप से कोलाइड कर रहा है। तो हमारा डिमांड ये है कि जो 2 लाख स्टूडेंट्स बैकड्रॉप हुए थे खासकर मुस्लिम्स में, ऐसे लोगों को फिर आप एनरोलमेंट के तरफ लाने के लिए उनको इकोनॉमिकली एक सूटेबल कंडीशन आप आवाम करना चाहिए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा OBCs और SCs ST के लिए जितने भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है उसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप रहना ज़रूरी है। इसलिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को रिस्टोर करना ये हमारा डिमांड है शिक्षा संवाद के थ्रू। जी ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29-30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स जो भी माइनॉरिटीज़ हो, क्रिश्चियंस हो, जैंस हो, सिख्स हो या मुस्लिम्स हो, इनके लिए अपने रिलीजियन बेस्ड एजुकेशन कायम करने के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन का स्टेटस गवर्नमेंट में सबको दिया था। तो इसी के तहत अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 या NEP 2020 जो रिकमेंडेशंस दिया था, इसमें इन चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। और जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन NCPCR ने जो भी रिकमेंडेशंस UP के अंदर दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर लाने का, तो इसी के तहत हम यही बोलना चाह रहे हैं जो राइट है आर्टिकल प्रोवाइड कर रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड कर रही है, तो ये सबके लिए एक राइट है। इसको डाइल्यूट करना, इसको हटा देना ये सही बात नहीं है। ये भी हमारा डिमांड हो सक है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसका अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। शिक्षा संवाद के थ्रू हम एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चलाना चाह रहे हैं ताकि माइनॉरिटीज़ का एनरोलमेंट रेट बढ़ा सकें एजुकेशन में खासकर। तो इसी के तहत हमारे चंद सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है, एक राउंड टेबल मीट है, दूसरी करियर गाइडेंस वर्कशॉप होंगे, स्किल वर्कशॉप होंगे, स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स और स्कॉलरशिप असिस्टेंस हो या मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो, कम्युनिटी तक रीच करें और उनको अवेयरनेस बढ़ाएं कि एनरोलमेंट बढ़ा सकें। उसी के तहत आज भिलाई में एक राउंड टेबल मीट हुआ शिक्षा संवाद के नाम पे, ताकि हाँ हमारा एजुकेशन इससे राउंड टेबल डिस्कशंस हुए थे खासकर छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं और अवेयरनेस किस तरह क्रिएट किया जाए ताकि एनरोलमेंट खासकर माइनॉरिटीज़ का बढ़ा सके। यही था जो ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट का जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किया था, जिसमें मैं फिर भी दोबारा उसको बता रहा हूँ कि 8% डिक्लाइन हुआ था मुस्लिम्स का, ताकि 2 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से दूर हुए थे। तो हमारा डिमांड इसमें यही था कि ये डिक्लाइनिंग रेट क्यों हुआ, गवर्नमेंट से यही डिमांड था कि क्यों था, आप ही वजूहात बताएं, रीज़न बताएं कि क्यों ड्रॉप आउट हुआ। क्योंकि ये 2014 में जो सेंसस था एजुकेशन का,
तो उसी सेंसस को आज फिर मुस्लिम्स ने पहुंचे थे, तो इतना बैकलाश होने का रीज़न क्या था, या कुछ मैथमेटिकल एरर है या सही में ये रीज़न है, तो इसका हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिमांड कर रहे हैं। ये रीज़न हम ये मानते हैं कि जो स्कॉलरशिप असिस्टेंस हो और गवर्नमेंट के तरफ से जो माइनॉरिटीज़ की जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो जरिया है वो जरिए प्रॉपर नहीं है। जो सचार कमेटी रिपोर्ट आया था उसके बाद सचार कमेटी में मुस्लिम्स को एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना गया, लेकिन उसी के तहत आज तक एजुकेशन के लिए कुछ इदारे ना खोला गया। आज भी ऐसे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है, जैसा उत्तर प्रदेश का संभाल हो या बिहार की किशनगंज हो, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट से जहाँ इदारे भी खुले नहीं, तो इसी के वजह से कम्युनिटी तक हम रीच नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट रीच नहीं कर पा रही है, उनको एक्सेसिबल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक रीज़न हो। तो रीजंस कई भी हो सकते हैं, कोविड का भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी कम्युनिटीज़ है उनमें तो अपलिफ्टमेंट हुआ था, खासकर मुस्लिम्स में बैकड्रॉप हुआ था, तो ये रीज़न तो हम गवर्नमेंट को ही डिमांड कर रहे हैं। हमारे नज़र में एक्सेसिबल नहीं होना और उनके लिए स्कॉलरशिप असिस्टेंस जो भी चीज़ें नहीं होना, ये रीज़न माना जा सकता है।